अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और पहले मैंने आपको बॉयज़ के लिए बना बेबी बॉयज़ के लिए भी बनाना सिखाई थी, आज हम बेबी गर्ल्स के लिए बनाएंगे। तरीका सारा वही है, अगेन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वीडियो में प्रॉपरली नज़र आ रहा है आपको। इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग मैंने पार्ट वन में बताई थी, और बॉयज़ के लिए मैंने पार्ट टू में आपको तरीका सिलाई करने का बता दिया था। सारा तरीका वही है, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे इस तरह से कि थोड़ी कढ़ाई कर लेंगे, एक एप्लिक कर लेंगे और थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, बाकी तरीका वो ही है। मेरे चैनल का थीम भी यही है, सेव टाइम एंड सेव मनी। ये एक्चुअली उन खवातीन के लिए मैंने चैनल बनाया है कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है और वो चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाएँ, अच्छे से अच्छा खिलाएँ। और आजकल के इस दौर में जबकि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, कोरोना वायरस आ चुका है और हर चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें और घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ करके और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं वो मदर्स। वरना हर चीज़ बाज़ार में अवेलेबल है, हर चीज़ आपको लेटेस्ट से मिल जाती है, पैसे होने की बात है। लेकिन अगर आप ख्वाहिशात हैं और थोड़ी बचत करना चाहती हैं तो आप घर की चीज़ों में पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके बहुत कुछ कर सकती हैं। और दूसरे नंबर पर यह कि फिर तो एक और बात भी है कि सुई में धागा डालना किसको नहीं आता, सबको आता है। हमारे माशरे में हर तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सब अकल के दिमाग की बातें हैं। अकल है तो मोजा ही मोजा, अकल नहीं तो सोचा ही सोचा। यहाँ भी मैंने शर्ट की मगजी ली हुई है, इसके आगे भी बटन लगा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस अटैच करें और साथ में सिलाई लगा लें। बहुत इजी वे है ये, आपको ना वो बेस टेप बनानी पड़ेगी, ना एक्स्ट्रा पाइपिंग बनानी पड़ेगी, उसी से आपकी ये बिब रेडी हो जाएगी। अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, देखें शर्ट का मैंने एक बटन भी ज़ाया नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बिब्स बनाना बताऊंगी जो सिंपल होंगी, बहुत इजीली बन जाएंगी, इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी, और आप कम से कम को 5-6 बना कर रखें, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे समटाइम दूध गिरा देते हैं, समटाइम मुंह से पानी ऐसे टपकता है, तो बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको सिंपल बिब भी बनानी सिखाऊंगी जो जिसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। चलें जी, सिलाई का काम तो हो गया कंप्लीट। अब हम थोड़ी सी इसको, पिछली मैंने बिब में आपको बताया था तरपाई कर लें, अगर आप तरपाई नहीं करना चाहती तो इस तरह से आप सिलाई भी लगा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने तरपाई ही करनी है। तरपाई तो मैंने इसलिए कर ली थी कि चलें कुछ हाइड हो जाए, लेकिन सिलाई लगाएंगे भी तो भी प्यारी लगेगी। चलें हमारी बिब रेडी हो गई, अब इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं। मैं काज टांका करने लगी हूँ, इसको आउटलाइन बनाने के लिए, और इसी तरीके से आप बटन भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने पूरे वो पूरी बिब पे
आपने काज टांके की मदद से कढ़ाई कर लेनी है। इसकी आउटलाइन बन जाएगी। आप चाहें तो कुछ और भी कर सकती हैं, क्रोशिए से मगजी बना के लगा सकती हैं, लेस लगा सकती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी वो मिलती हैं बाज़ार से लेसिस, आप वो लगा सकती हैं। तो मैंने इसको काज टांके की मदद से इसकी आउटलाइन बना ली है। अब मैं एक एप्लिक वर्क करूँगी। एक फ्लावर मैंने लिया है, ये भी मैंने किसी शर्ट से उतारा है, कटिंग की है, तो मैं इसके ऊपर टांके लगा के तो इसका एप्लिक कर लूँगी। आप चाहें तो बटरफ्लाई बना लें, आप चाहें तो ये कढ़ाई कर लें, या क्रोशिए का फूल बना के लगा लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। एप्लिक वर्क कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप काट दें सफाई के साथ। ये देखें कितनी खूबसूरत बिब तैयार हुई है। अगर आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आया बिब का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।